please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2018-19। इस वीडियो में फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको जो अपलोड करना है। दूसरी वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट इशू किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ये दो चीज आप स्कैन कर लीजिएगा। तीसरी चीज आपको जो स्कैन करके रखनी है क्लास टेंथ सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ। चौथा सेल्फ अटेस्टेड क्लास ट्वेल्थ मार्कशीट इफ रिजल्ट इज अनाउंस्ड। यहां आप बात समझिएगा, क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट जो लगेगी अगर रिजल्ट आपका अनाउंस हो गया है और बोर्ड ने मार्कशीट आपकी इशू कर दी है तो वो लगेगा। अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया है और बोर्ड ने मार्कशीट इशू नहीं किया है तो आपकी जो इंटरनेट से रिजल्ट डाउनलोड कीजिएगा वो लग जाएगा। दो केस आपको मैंने बता दिया। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी केएम सीडब्ल्यू वैलिड सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स ईसीए सर्टिफिकेट, अगर आप स्पोर्ट ईसीए कोटा से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। जितनी चीज आपको मैंने बताया है फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर छोड़ के सारी चीज आपका सेल्फ अटेस्टेड रहेगा तो आप अपलोड कीजिएगा। लास्ट में आपको मैं बता दूं द एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू प्रीव्यू द एप्लीकेशन एंड पे द फी विदाउट अपलोडिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अगर इन सब में एक भी डॉक्यूमेंट आपने नहीं अपलोड किया तो फर्दर स्टेप में आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, पेमेंट ऑफ फीस पे नहीं जा पाएंगे, ना आप प्रीव्यू एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो डॉक्यूमेंट अलग वीडियो में बताऊंगा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट वहां पे ले जाना है, ठीक है। कुछ और आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।